पर आए हैं अलीगढ़ और कार्यक्रम सुनने में आ रहा है आपका निरस्त हो गया है, क्या अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और क्या आपका यहाँ पर कार्यक्रम था, किस तरीके का? देखिए हमारा कार्यक्रम यहाँ एक जनसभा कर रहा है, यहाँ हम धरातल पे नब्ज टटोल रहे हैं कि कौन कौन सी जातियां कल कांग्रेस से नाराज हुई, सपा बसपा से नाराज हुई, वो इधर भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में आई और आने के बाद इधर 10 साल में जो काम हुआ है क्या उनके यहाँ तक विकास की जो बात योजनाएं बनी उनके यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रही हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं तो क्या कारण है वो हमको बतावें, हम उसको करें। हम इसके लिए उत्तर प्रदेश के 75 जिले में घूमते रहते हैं क्योंकि हम मिल करके उनकी समस्या को सुलझाना चाहते हैं। जैसे अभी कुछ साथियों ने बताया तो इस बात को मैं मुख्यमंत्री जी से सीधे कहता हूं कि उस धरातल की ये समस्या है, इसको समाधान करिए। तो कहते हैं कि वो लिखित ले आया करो, जो काम हो जितना भी बजट चाहिए हम दे देंगे। तो हमारे जो अधिकारी, हम अपने अधिकारी से भी मैं हम लोगों ने जैसे पंचायती राज विभाग है, हम लोगों ने योजना बनी है पंचायत सचिवालय, पंचायत सचिवालय में अब सारे काम जो जनसेवा केंद्रों पर जाकर के लोग कराते थे अब उनको सारा काम हम गांव में, जो हमारा पंचायत ग्राम सचिवालय है, हमारा ग्राम पंचायत नियुक्त है, उसके माध्यम से चाहे वो खतौनी लेना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र लेना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, आयुष्मान कार्ड बनवाना हो, बिजली का बिल जमा करना हो, किसी तरह का पेंशन का फॉर्म भरना हो, सब वही हम अपने ग्राम पंचायत सचिवालय में ही कराने की तैयारी कर रहे हैं और काम शुरू भी हो गया है। आज आपका जो कार्यक्रम ग्रस्त हुआ है, ये अगली तिथि कौन सी रहेगी? हम अगला 22 तारीख को कार्यक्रम यहाँ करेंगे क्योंकि बरसात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात देख ही रहे हैं। उसी दिन उसी जगह होगा या उसी जगह होगा और 22 तारीख को होगा 22 को। और जो देश में इस समय के जो हालात है, देखिए अभी कल प्रधानमंत्री जी ने 70 साल के बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए निःशुल्क इलाज की व्यवस्था दिया। प्रधानमंत्री जी ने जैसे एनडीए सरकार ने जो महिलाओं को आरक्षण की बात थी कि ना कांग्रेस कर पाई ना सपा बसपा मिलके भी सरकार केंद्र में बनी नहीं कर पाई, उसको 33% आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा से पास करा दिया। आज प्रदेश में आप अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम जिस जिले अलीगढ़ में हैं, दंगे की चपेट में रहा करता था अक्सर, आज पूरा उत्तर प्रदेश 7 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, कहीं कर्फ्यू नहीं लगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो गरीबों तक कैसे पहुंचे, उसकी जानकारी वहां तक कैसे हो, इसलिए हमारा पंचायत विभाग, हम लोग, हमारे चाहे डिप्टी डायरेक्टर हों, चाहे DPRO हों, चाहे ADPRO हों, चाहे हमारे ग्राम पंचायत हों, चाहे JEE XCN हों और चाहे हमारा निदेशालय हो, मैं खुद, हम लोग गाँव तक जाकर के हम उनको, चाहे वो स्वच्छता का मामला हो, चाहे उनके नाली चक्रोड खड़ंजा से जुटे हुए मामले हो, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हों, चाहे ब्लॉक प्रमुख हों, चाहे हमारे ग्राम प्रधान हों, हम सभी से सामंजस्य बना करके हम विकास करना चाहते हैं और विकास को गति देना चाहते हैं। मतलब ये मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर आपसे जानकारी, आपका बयान आया था कि आधार कार्ड लेकर पुलिस अगर एनकाउंटर करेगी उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए आपको बता दें, जब पुलिस के ऊपर गोली चलती है तो पुलिस फूलों की वर्षा नहीं करेगी, आधार कार्ड मांगेंगे, भाई अपना आधार कार्ड दो, आप किस जाति के हो, तब तो कई पुलिस वाले लोग खत्म हो जाएंगे। तो गोली चलती, कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा, हमारा खाली एक सवाल समाजवादी पार्टी के नेता से है, क्या सुल्तानपुर की उस घटना में उसका हाथ है कि नहीं है, वो उसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है? जैसा मुझे जानकारी है कि मोटरसाइकिल चला करके वो खुद गया था जी, इस बात की पुष्टि तो हो, अगर वो अपराधी है तो उसके साथ क्या बर्ताव किया जाए, गुलाब का फूल लेकर के उसके ऊपर बरसाया जाए, वो गोली चला रहा है, पुलिस के ऊपर गोली चला रहा है तो पुलिस उसके ऊपर क्या फूल बरसा करेगी? यादव और मुसलमान को लेकर भी आपका एक बयान आया था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे जो अखिलेश यादव गोली लगती है? देखिए 7 साल में जो अपराधी किसी जाति का नहीं होता, पहली बात, अगर जाति की बात वो करते हैं तो 67 मुसलमानों मान अपराधी इनकाउंटर हुआ जी, उस पे तो अखिलेश जी नहीं बोलते हैं जी, 20 ब्राह्मण का एनकाउंटर हुआ नहीं बोले जी, 19 ठाकुर का हुआ नहीं बोले राजपूत का, और 16 यादव का हुआ तो उस पे बोल रहे हैं, मतलब यादव वो जातिवाद कर रहे हैं जी, हम लोग अपराधियों का सफाया कर रहे हैं जी, कि अपराधी अपराध न करे,
प्रदेश में खुशहाली रहे, अमन चैन रहे, कानून का राज रहे, हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।